लिटरेसी रेट किसी भी देश के नागरिकों की शिक्षा व्यवस्था और उनके असर को दर्शाता है। लिटरेसी रेट एक ऐसा मापदंड है जिससे हमें ये पता चलता है कि देश की जनता कितने प्रतिशत शिक्षित है, लिखना जानती है, पढ़ना जानती है और बेसिक कम्युनिकेशन जानती है। अक्सर हम लोग इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 77.7% हो चुका है और आने वाले समय में लगभग ये 100% भी हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि इस व्यवस्था को, इस शिक्षा को, लिटरेसी को सही तरीके से हम समझ पाएं। पर क्या इन आंकड़ों पर हमें गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए? इससे सही से समझने के लिए हमारे शिक्षा प्रणाली के वास्तविक रूप से रूबरू होना पड़े, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऊंचे क्लास में भी जाकर लिखना या पढ़ना नहीं जान पाते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं लेकिन एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कंज्यूमर कॉन्शसनेस के साथ और एक सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर के साथ वो एक मार्केट का प्रोडक्ट बनते हैं। हमें गांव और कस्बों में जाकर देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें कितनी लड़कियाँ हैं, कितने दलित समाज के लड़के लड़कियाँ हैं और जो पढ़ने जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इन स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं। सरकारी स्कूल में जाने वाले मुक्त बच्चे पिछड़े समाज के होते हैं या तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होते हैं। सातवीं क्लास का छात्र न ही पढ़ सकता है और न ही अपने नाम के अलावा कुछ लिख पाता है। वहीं पांचवी छठी क्लास में पढ़ने के बाद लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है। लड़के ज़्यादातर 9वीं या 10वीं क्लास तक पढ़ पाते हैं और उसके बाद भी उन्हें अच्छे से न पढ़ना और न लिखना आ पाता है। ऐसा लगता है जैसे सरकार और समाज चाहता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ पाए। किसी को भी शिक्षक अपॉइंट कर दिया जाता है, उन्हें समय से सैलरी नहीं दी जाती है, शिक्षकों और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा आंकड़ों की कमी है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है और फाइनली ब्यूरोक्रेटिक नेग्लिजेंस जो है वो इसके मेन उत्तरदायी है। बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगता है जिनसे सरकारी आंकड़े संतुलित रहें और सरकार अपना गुणगान अच्छे से करा सके। जरूरी यह है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को समाज और शिक्षक नकारे नहीं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें, उन्हें कास्ट, जेंडर और उनके बैकग्राउंड के अलावा भी देखा जाए, उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, तभी लिटरेसी के आंकड़े वास्तविक रूप से और सही तरीके से साबित होंगे।